और आपको पता है ये कब की बनी हुई है? ये आधे चम्मच तो पहला दी है। हम पूछते हैं कि इस चाल के बारे में जी, तो आप तो क्या नाम है आपका भाई? छह महीने चल रही है, छह महीने बंद रही है ना, अप्रैल से शुरू होती है और छह महीने रहती है, अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर। और काम में होते हैं, सुबह नाल चल रहा है उधर हम नहाते हैं, हम इधर नहीं नहाती है, इधर पानी बहुत ज्यादा और ये बहुत तेज पानी है, ठल्ले मारता है, मतलब कि कोई भी नहीं आप नहा नहीं सकता इधर जो ना। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है आप लोगों के? उम्मीद है ठीक होंगे। आज हम आप लोगों को दिखाने के लिए आए हैं चाल, और ये देखें, ये इसकी ना सारी डिटेल लिखी हुई है चाल की, और ये है ब्रिज, और ये पुल है देखें आप लोग, और ये देखें, ये देखिए इसका नजारा चाल का। ये पीछे हमने आप लोगों को बताई थी एम आर आर एक नहर माला लिंक, इधर तो वो जो नहर आती है ना वो इधर आके गिर गई है। ये देखें ये चाल है, और ये देखें बहुत बड़ी नहर है, और ये इसका पुल है, और ये देखें ये ना इसका सिस्टम, जहाँ से ना ये फटे हैं ये जो लगे हुए, ये नीचे हो जाते हैं कभी ऊपर हो जाते हैं, जब नीचे करते हैं तो पानी रुक जाता है, और जब ऊपर करते हैं तो पानी आ रहा है। ये देखिए अभी जो है ना ये फटे, ये ऊपर है तो पानी आ रहा है, और ये देखिए ये पुल है, यहाँ से ना बहुत ज्यादा लोग दूर दूर से देखने के लिए आते हैं। अभी चूंकि इस वक्त ना रश नहीं है, चले गए हैं, ये देखो उन्होंने झंडा लगाया हुआ है, ये पुल है, ये ना बहुत ये जो बना हुआ है, ये ब्रिज है, इसको कम से कम ना 100 साल से ज्यादा टाइम हो गया इधर बने हुए, हिंदुओं के जमाने का था। और ये सामने मस्जिद है, ये भी बहुत पुरानी मस्जिद है, इसको दोबारा से तैयार किया गया है। और ये देखें आप लोग, ये पीछे से कितनी खामोशी है, ये नहर कितना सुकून से, इधर आगे जब गिरती है ना तो नीचे से आ रही, देखें ये ऊपर है पानी और नीचे से गिर रही है ना बहुत, यहाँ पर ना क्योंकि कोई भी चीज यहाँ से गिर गई ना उसके बचने के चांस नहीं होते, ये ट्रैक्टर आ रहे हैं इधर से। अच्छा तो आप बताएं कि ये नहर ना कब आती है और कब जाती है? छह महीने चल रही है, छह महीने बंद रही है, बच्चा चार देने तो फड़ के ना बचा बचू लेंगे। सही हो गया। और आपने भी कभी इधर आगे नहाया है? आप भी इधर आगे नहाते हैं? नहीं, हम काम में होते हैं, सुबह नाल चल रहा है उधर हम नहाते हैं, हम इधर नहीं नहाते हैं, इधर पानी बहुत ज्यादा। सही है। तो सुबह इधर से कितने ही निकलते हैं? सुबह चार सुबह। और इधर लोग आते हैं घूमने फिरने के लिए? बहुत ज्यादा, बहुत ज्यादा। क्या और आपको पता है ये कब की बनी हुई है? ये आधे चम्मच तो पहले आती है। मेहरबानी सर। ये देखे हम आपको ऊपर से नजारा दिखाते हैं, ये देखे ये शिरोज भाई जा रहे हैं, ये भी हमारे साथ सैर करने के लिए आया है, लेकिन ये पता नहीं इन्हें क्या हो गया कि ये हमसे बात नहीं कर रहे। ये देखे जिसे फटे लगे हुए इधर से पानी का, देखे कितना ज्यादा पानी आ रहा है, ये देखे ये पानी जो है इसका यहाँ फटे नीचे हो जाएंगे, पानी रुक जाएगा, और इस फटे ऊपर है तो ये सारे पुल के ऊपर से हम लोग जा रहे हैं, ये बहुत दूर दूर से लोग इस मंदिर को देखने के लिए आते हैं। आप लोग देखें, और वो देखें वो बच्चे पिकनिक मना रहे हैं, वो बच्चे बच्चे वो कहाँ पहुंच गया, और हम अभी इसी पुल पे जा रहे हैं जी, यहाँ से बहुत ज्यादा सुबह निकलते हैं जी। ये ना ये जो है ना ये नहर, ये बहुत से छोटे छोटे सुबह में तकसीम हो जाती है, ये बहुत ही खूबसूरत नजारा है चाल का, ये लोग ना बहुत दूर दूर से देखने के लिए आते हैं और बहुत इंजॉय करते हैं, यहाँ पे लोग आते हैं पिकनिक करते हैं, दोस्तों के साथ आते हैं। अभी तो चूंकि दोपहर है, 12 बज गए हैं, लोग खाने का टाइम हो गया है, तो इधर अभी कोई रश नहीं है, शाम के वक्त है यहाँ पर बहुत रश हो जाता है, और ये बहुत तेज पानी है, ठल्ले मारता है, मतलब कि कोई भी नहीं यहाँ पे नहा नहीं सकता इधर, जो नहाएगा वो उसके चांसेस बहुत कम है बचने के। और यहाँ से बहुत ज्यादा सुबह निकलते हैं, इधर से लोग आते हैं, लोगों ने सुबह निकाले अपने ना फसलों को पानी देने के लिए, और बहुत ही लोग ना इस यहाँ से फायदा भी हासिल करते हैं, और इसने बहुत सी जानें भी ली हुई है लोगों की। और ये इसका पुल है, पुल जो है ना बहुत पुराना ही है, नहर आपको बताया हिंदुओं के जमाने की है, और कम से कम 100 से भी ज्यादा साल हो चुके हैं। और ये देखें ये सारी चाल का नजारा था, हम इधर ब्रिज के ऊपर चढ़ने की इजाजत नहीं है, लेकिन मैं कुछ स्टेप आपको चढ़ के दिखा देता हूँ।
ये देखें ये ब्रिज है लोहे का, बहुत ही मजबूत है। और ये देखें, और देखें वो इधर से हम आप लोगों को दिखा रहे हैं नजारा, क्योंकि चढ़ने की जात नहीं है तो इसलिए मैं चाहता हूँ कि ऊपर ना चढ़े तो सही है। ये देखें ये सारा है ना एरिया जो है पार्किंग एरिया, लोग यहाँ पे आके एंजॉय करते हैं। बहुत ज्यादा यहाँ पर ना दिक्कत है, हर तरफ हरियाली है। और ये देखें इन्होंने पौधे भी लगाए हुए हैं, ये ना बहुत ही इधर जो भी आते हैं ना एंजॉय करता है, मतलब कि सैर करने के लिए बहुत ही ना अच्छी जगह है। ये पुल है, ये पुल के दूसरी तरफ जो है ना वो बहुत खूबसूरत नजारा है, ये उन्होंने झंडा लगाया हुआ है। आप लोगों को दिखाते हैं, यहाँ पे लोग ना भैंसे वगैरह को इधर देखे, आप लोग देख सकते हैं भैंसे भी है। और ये देखे कितना खूबसूरत पानी, मतलब ठंडे हमारा बहुत खूबसूरत नजारा है। ये देखे और वो जो लोग है ना वो मछुआरे हैं, इन्होंने ना वो आपको दिखा दे जाल लगाया हुआ है, और वो जो जाल है ना वो वहां से मछलियां देखने के लिए आए हैं। तो उन्होंने मछलियां, कोई मछली आई भी है आगे जाल में, अगर कोई एक भी बड़ी मछली आ गई ना जाल में तो इनकी समझ लें कि वो ना एक दिन का गुजारा हो जाता है। और मछली बहुत मुश्किल से आती है क्योंकि पानी तेज है, बहुत ही लोग एंजॉय करते हैं, मजा आता है यहाँ पे पढ़ने तुमने के लिए, बहुत ही अच्छी जगह है। देखें ये देखें ये लोग हम ये अपन जाल देख रहे हैं कि कोई मछली वगैरह आई है कि नहीं, मुझे लगता है कि अभी कोई मछली नहीं आई है। इस बात में कोई शक नहीं कि यहाँ पे मछलियाँ नहीं है, बहुत मछली है यहाँ पे। जब ये पानी का काम हो जाएगा ना जोर तो यहाँ पे लोग आते हैं बेतहाशा मछलियाँ पकड़ते हैं, और बड़ी बड़ी मछली आती है यहाँ पे, लोग उसे मछलियों को पकड़ते हैं जिससे को। और ये देखें ये बहुत लोग इधर आते हैं देखने के लिए। और ये जो है ना इधर भी उसी तरह जो इस तरफ आपको दिखाया है, इसी इधर भी उसी तरह का ना ये पार्किंग है, लोग इधर आके एंजॉय करते हैं। और जैसा कुछ आदमी ने बताया था कि लोग यहाँ पर आके वीडियोज बनाते हैं, और कई लोग अंदर ना गिर भी जाते हैं, तो हम लोग बहुत प्यार से वीडियो बना रहे हैं। ये भाई है ये भी आया वैसे देखने के लिए एंजॉय कर रहे हैं, और ये नेट लगाया हुआ जान है। इधर अभी तक कोई मछली नहीं आई है, कोई एक बड़ी मछली भी आ गई तो इनका ना जो है एक दिन का गुजारा हो जाएगा। और चूंकि मछलियाँ बहुत है लेकिन पानी की रफ्तार की वजह से कोई हाथ नहीं आती। और ये भी है ये भी पुल है, इस तरफ से भी ऊपर ना चढ़ा जाता है, लेकिन ये ऊपर चढ़ने की जात नहीं है, इन्होंने देखे कांटे लगाए हुए हैं। एक वो ये देखें ये भी सुबह जा रहे इधर से, लेकिन जो है ना सुबह चार कह रहे थे वो भाई कह रहे थे चार सुबह निकलते हैं, लेकिन अभी तक ना ये जो सुबह इधर पानी नहीं आया है। और मछलियाँ आती है जब सुबह पानी आएगा तो ज़्यादा पानी के साथ मछलियाँ भी आएंगी, और बहुत ही लोग इधर आते हैं इंजॉय करते हैं। तो अब हम लोग आए इधर, एक आदमी भाई है वो ग्रेजुएटर है जो पानी की बीमारिश वगैरह करते हैं, उनसे अब आप हम पूछते हैं कि इस चाल के बारे में। जी तो अब तो क्या नाम है आपका भाई? यार और हम लोगों ने अभी ना इन भाइयों से पूछा है कि इसमें कितनी मतलब कैपेसिटी है, उन्होंने बताया कि ना कम से कम ज्यादा से ज्यादा ना इसकी कैपेसिटी जो है 22,000 क्यूसिक पानी, और ये ना अप्रैल से शुरू होती है और 6 महीने रहती है, अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर, और ये सितंबर के आखिर में जाके इसका जोर खत्म हो जाता है, फिर ये ना उतर जाती है नॉर्मल के पानी कम हो जाता है, और फिर इसमें ना 22,000 क्यूसिक होता है ना फुल कैपेसिटी इसकी, और ये अभी फुल है, और फिर इसकी ना कम से कम 10,000 क्यूसिक ज्यादा से ज्यादा रह जाती है कैपेसिटी। और फिर लोग आते हैं फिर इधर नहा भी सकते हैं इधर आके, और मैं भी एक बार आया था इधर नहाया था और बहुत इंजॉय किया था, और इसके बाद फिर मैं नहीं आया कभी। और ये देखें आप लोग अभी सुनसान है, बहुत धूप हो गई है, पहले मौसम बहुत अच्छा था और धूप नहीं थी, बारिश का मौसम था, और अभी धूप हो गया और अब हमें चलना चाहिए। और आपका शुक्रिया, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ में शेयर भी कर दें, बहुत बहुत शुक्रिया। मिलते हैं हम आपको अगली वीडियो में, जज़ाकअल्लाह।